तो दोस्तों आज हम लाए हैं पबजी। वैसे ही पबजी का बुखार बहुत ज़ोर शोरों से लोगों को चढ़ा हुआ है पिछले काफ़ी अरसे से, तो सोचा क्यों ना पबजी गेम और उनके गेमर्स पे रिव्यू क्यों ना आपको पेश किया जाए। तो आए आज हम चंद गिने चुने पबजी के बेस प्लेयर के ऊपर कोशिश करते हैं एक अच्छा सा रिव्यू देने की, क्योंकि चंद एक पबजी प्लेयर हमसे कॉन्टेक्ट किया, उन्होंने बॉस हम बहुत अच्छी गेम खेलते हैं, काइंडली हमारी गेम भी अपने चैनल ओशियन गेम और गेम्स ओशियन पे लगाएं और लगाते साथ ही वहाँ पे अपलोड करते थे थोड़ा सा रिव्यू दे दें। सो वी थिंक के यार होना चाहिए ऐसा कुछ। सो सबसे पहले तो आने वाले तमाम नए और पुराने दोस्तों से मिलता हूँ आज कि अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम बिंग मिलती रहे। तो आइए चलते हैं गेम की जानिब, तो देखते हैं कि ये पबजी प्लेयर क्या कर रहे हैं इस वक्त। तो एंटर होते हैं द किंगडम ऑफ पबजी। तो आइए देखते हैं यहाँ पर हमारे जो गेरे जो है किंग साहब हैं वो जीप चला रहे हैं, टीम ए और टीम बी हम करेंगे। फिलहाल ये नॉर्थ वेस्ट की जानिब रवा दवा है, उनके साथ इनकी एनिमी टीम भी है जो इस वक्त फार्मूला कार पे हैं, और ये हैं जीप के परफॉर्मर फोर के ऊपर। तो देखते हैं इनका यहाँ पे कहाँ पे टकराव होता है। तो ज़ोर शोर से ये वेस्ट की जानब बढ़ते हुए वेस्ट से साउथ वेस्ट की जानब और कंटिन्यू अपनी जीप को भगाते हुए इनसे आगे इनके एनिमी फार्मूला। आप देखते हैं कि एनिमी पे काबू पाएंगे ये एनिमी के ऊपर काबू पाएंगे। तो यहाँ पे तो लग रहा है पबजी के अंदर के ये नीड फॉर स्पीड चल रहा है, और आए थे नीड फॉर स्पीड 6 या 7 मूवी का कोई पार्ट देखे ना भाई लोग। तो हम देख सकते हैं फार्मूला कार आगे है जिसमें इनके एनिमी हैं, और ये पीछे से वेपन इनके ऊपर ताने और फायर करने वाले हैं मिस्टर किंग, और ये कंटिन्यू वागन दौड़ चल रही है और कभी आगे कभी पीछे। ये नीड फॉर स्पीड का सीनरी क्रिएट हो चुका है, और इस तक ये शुक्र है मेरे भाई इन्होंने पैर जम करा और ये एंट्री मारी। अब देखते हैं अंदर रूम में इसमें फ्लोर पे और यहाँ पे इस हाउस में क्या है। तो काफ़ी सारे इन्होंने यहाँ से बल्क क्वान्टिटी में एनिमी भी ये उठा रहे हैं और पुट कर रहे हैं अपने डिफेंस के अंदर। उन्होंने ऊपर से जंप करी, जंप करने के बाद दोबारा एंट्री करते हैं। एंट्री करते हुए देखते हैं अंदर के एनिमी ना मेरे भाई जान बचा के। तो ये अगेन से इकट्ठा करते हैं मेरे भाई एमू इस्तेमाल तो कर नहीं रहे, और इकट्ठा किए जा रहे हैं डिफरेंट किस्म के वेपन इकट्ठे किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान से यहाँ पे डिफरेंट जगह पे एनिमी होते हैं, हमारा एक्सपीरियंस है इस जगह पे छुपे पड़े होते हैं, 2-3 दिन घंटे तक बाहर नहीं निकलते हैं। तो ख्याल कीजिएगा कहीं ऐसा ना हो कि एनिमी आपकी बजा के रखते हैं भाई दोबारा एंट्री कर रहे हैं, लेकिन एहतियात के साथ हाँ एनर्जी ड्रिंक पी लें इससे पहले कि वो एनर्जी आपकी ख़त्म कर दें। यहाँ से फिर ये करेंगे उसे एक बात है, हाउस बड़े प्यारे बने हैं भाई, बहुत प्यारी सोसाइटी बनी है, ग्राउंड प्लस वन है ये गॉड गॉड हिट किया इन्होंने, हिट किया अगेन देखते हैं ये ओ माय गॉड हिट हिम ओ माय गॉड। तो अच्छे तरीके से हिट हो चुके हैं और डैमेज हो चुका है। तो दूसरा कहा है भाई इनका साथी विल लीव, कंटिन्यू रनिंग करो, इसको थोड़ा बहुत आप मेडिकल ट्रीट करो नहीं तो ये गया मगर डेढ़ हो चुका है। ये देखे हमें यार अच्छे डैम के अंदर जाके फंस गया। तो ये हैं तीसरे भाई जान किंग मास्टर, देखते हैं किंग मास्टर क्या कर रहे हैं। अच्छा ये इनकी फाइट चल रही है यहाँ पे पहले से फार्मूला कार वालों के साथ, तो यहाँ से ये हिट करना चाह रहे थे, इन्होंने कोई देखा है यहाँ पे इसलिए चुप खड़े हैं। इन्हें भी काफी तरह पड़ा है, ये दोबारा डाउन साइड पे आए और बड़ा जबरदस्त फार्मूला कार की अच्छा। तो ये डिफरेंट एनिमी है, बैंड द सीन चल रहा है।
तो ये फार्मूला कार वाले हैं जिन्होंने जिनको हिट कर दिया, तो ये अभी देखते हैं इनके साथ क्या सीन होने वाला है। ये अब दोबारा रनिंग कर रहे हैं 230 साउथ की जानेब, साउथ और वेस्ट के दरमियान में गाड़ी को भगाते हुए फार्मूला को, और ये जाने बढ़ रहे हैं एक नई अपॉर्चुनिटी की। सो लेट्स सी, जैसे ये बात है भाई, गाड़ी ये चला रहे हैं, वो बाइक वाले तो जाकर डैम में फंस गया, जीप वाले जगह जगह ठोरी, बाइक वाली इसके साथ गन बड़ी प्यारी इसने पकड़ी मेरा भाई। तो चलते हैं आगे, कहाँ पे इसी एनिमी से टकराव करने वाले हैं, ये किसी और से हम देखते हैं मेरे भाई। ये 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 करके दिखा, ये करके दिखा, तो हम देख रहे हैं कंटिन्यूस को। करना क्या चाह रहे हैं दोनों यहाँ पे, ये ओह माय गॉड ग्रेट यार, क्या आइडिया है इनके माइंड में, रूफ टॉप पे जबरदस्त जंप, ग्रेट, बेहतरीन बेहतरीन स्ट्रेटेजी इनकी, बड़ी जबरदस्त थी, जबरदस्त, ऑसम ऑसम जबरदस्त। कैपिंग होनी चाहिए इनके लिए, काफी पुराने मंजे हुए खिलाड़ी हैं, इसीलिए तो दूसरी टीम की महावीन कर चुके हैं, ओह सॉरी इनकी बजा चुके हैं। तो यहाँ पे देखते हैं रूफ टॉप पे अगेन से इन्होंने जंप करी और यहाँ से करीब आने की कोशिश कर रहे हैं, एक दूसरा साथी नीचे है और ये इन्होंने यहाँ पे हिट करने की कोशिश की, देख चुके थे जिसकी खातिर यहाँ पे आए थे, बड़ी मेहनत की इन्होंने एक साथी के लिए, लेकिन इनके एनिमी काफी तेज और फास्ट आए थे, वो कहीं भी छुपे पड़े हैं, उन्होंने अपना फेस दिखाया इनको एक तरह का चारा डालने के लिए, और जैसे ही ये पहुंचे उसके बाद वो किसी सोसाइटी के घर के अंदर छुप चुके हैं और इनका शिद्दत के साथ बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं ताकि ये इन्होंने हिट किया जाए। वो यकीनन यहीं के छुपे हुए हाइड के ऊपर और कंटिन्यू इनको वॉच कर रहे हैं, और वॉच इसीलिए कर रहे हैं कि इनको पकड़ के और घेरे में लेके इनको हिट किया जाए। स्ट्रेटेजी उनकी भी अच्छी है, लेकिन थोड़ा जल्दबाजी के अंदर शायद के मार खा जाएंगे, मुश्किल लगता है कि ये विन कर पाए इनसे, जिनके पीछे भाग रहे हैं उनको ये हिट कर पाए, बहुत मुश्किल लग रहा है। सो लेट्स सी आगे आने वाले, मेरे ख्याल में आई थिंक आने वाले 10 मिनटों के अंदर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये जबरदस्त, इन्होंने जहाँ तक मुझे लगता है, जहाँ तक मुझे लगता है इसके अंदर ये देख रहे हैं नहीं आते हैं और कंटिन्यू भाग के रन करके साइड पे हो जाते हैं। उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि स्ट्रेटेजी उनकी सिंपल ये चल रही है कि वो शो कर रहे हैं ताकि इस हाउस के अंदर किसी के सेंटर हों, ये शो है तो किसी दूसरे सामने वाले हाउस के अंदर होंगे या नीचे इसके ग्राउंड फ्लोर पर होंगे, इनको दोबारा वो हिट करेंगे। सो लेट्स सी, हम देखते हैं ये उनके घेरे के अंदर आते हैं या इनको हिट कर पाते हैं। नया फॉर्मूला कार के अंदर आई थिंक उसी तरफ जाएंगे, उसी हाउस की तरफ जाएंगे, और ये शायद के हमें लग रहा है कि फंस जाए, बहुत मुश्किल है कि ये, क्योंकि उनकी स्ट्रेटेजी हमें लग रही है ये कि तीन बंदे नीचे एक ऊपर है, तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। ये भी यहाँ से गए एन करते हैं, अच्छा टॉप पे, हाँ ये इन्होंने यहाँ से टॉप पे फेंका ग्रेनेड, हाँ स्टेडियम की, लेकिन ये क्या ठीक हो गया, ये रूम पहले क्लियर करना चाह रहे हैं। ओ गॉड ओ गॉड ओ गॉड, आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए आ गए, यानी कि वही जो हमने कहा था वही हुआ, वही जो हमने कहा था वही हुआ, उनको ऊपर से बुला फिसला के लाया गया है, और लाने के बाद एनिमी आ चुके, एंटर कर चुके, और आई थिंक ये स्नाइपर अटैक, ओह माय गॉड पूरी टीम किल हो चुकी है, बड़ी शिद्दत से गाड़ और मुश्किल है, ओ गॉड पूरे फ्रेंड्स का मैच एंड हो चुका है, पहले एक को बुला के मारा उसके बाद तीनों को, आई एम सो सॉरी ब्रो। तो यकीनन आई होप आपको ये पबजी के इस दफा की जो वीडियो है बहुत अच्छी लगी होगी, अच्छी नहीं भी लगी तो लाइक या डिसलाइक करके जरूर बताइएगा। वी होप यू एंजॉयड, और आने वाले वीकेंड पे हम दोबारा एक अच्छी सी
पबजी की वीडियो दोबारा अपलोड करेंगे। ये सब डिपेंड करते हैं आपके कमेंट्स पे, आपके लाइक और डिसलाइक पे। अगर आप अच्छी से अच्छी इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं मजीद, तो आप नीचे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइए और इस वीडियो को ज़रूर शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज़।